वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइंग एग्जाम। सो आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस। और सबसे पहला चैप्टर जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है सेल। अब हम लोगों ने सेल से ही क्यों बिगिन करा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज होल्ड करता है एंड बाकी चैप्टर्स को समझने के लिए ये चैप्टर समझना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट करें ये चैप्टर जल्दी से कंप्लीट करेंगे। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी कि सेल होता क्या है। तो सेल हमारी सारे ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब क्या, कि हर स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में है वो बिगिन होता है सेल से, और हर फंक्शन जो हमारी बॉडी में होता है वो भी बिगिन होता है सेल से। जैसे अगर मैं बात कर पा रही हूँ या अगर मैं हैंड्स मूव कर पा रही हूँ, तो ये सारे फंक्शंस मेरे सेल से ही बिगिन हो रहे हैं। अब अगर जैसे हम एक एग्जांपल लें, एक घर का, एक घर है और उसमें जैसे ब्रिक्स होती है, मतलब एक ब्रिक मिलेगी फिर दूसरी ब्रिक मिलेगी, ऐसे मिल मिल के ब्रिक्स एक वॉल बनाएंगी, वॉल्स बना के रूम बनेगा एंड रूम से फिर और रूम्स बन के पूरा घर बनेगा। एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से जो हमारे सेल्स होते हैं वो हमारी ब्रिक्स होती है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी एज अ होल बनती है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इसमें कि सेल थ्योरी क्या थी। तो सेल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी, जब धीरे धीरे डिस्कवरीज हो रही थी, तो सेल थ्योरी की ये तीन मेजर पार्ट्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा कि सारी लिविंग थिंग्स सेल से बनी होती हैं। भले वो सिंगल सेल हो, भले वो मल्टी सेलुलर हो, बट सारी लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो बनी तो सेल से ही होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारी सेल थ्योरी का ये था। उसके बाद है कि जो सेल्स होते हैं वो हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। मतलब स्ट्रक्चरल क्या, कि हमारे पूरे बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर देते हैं, एंड फंक्शनल यूनिट मतलब हमारी बॉडी में जितना भी फंक्शन हो रहा है वो सब सेल्स करवाते हैं। मतलब बेसिक से बेसिक फंक्शन भी अगर हम ले लेंगे, जैसे मैं अभी ब्लिंक कर रही हूँ या मैं ब्रीथ कर रही हूँ या मैं कुछ भी एक्स वाई जी फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, ये सारा डायरेक्ट, ये सारा कंट्रोल, ये सारा कोऑर्डिनेशन बिगिन होता है एक सेल से। तो तभी सेल को हम लोग दोनों बोलते हैं, स्ट्रक्चरल भी है एंड फंक्शनल भी है। मतलब शेप साइज हमारी पूरी जो भी डिफाइंड है वो सेल की वजह से है, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी सेल की वजह से है, एंड जो फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं वो भी सेल की वजह से ही है। इसके बाद है कि न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स जो सेल्स होते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है वो भी प्रायर सेल से होता है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, जो सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये तीन पॉइंट्स डेफिनेटली आते हैं 3 मार्क्स के, एंड इसको याद करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहले फाइनल में ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, बट पीटी में या कहीं एफए वगैरह में ये क्वेश्चन अभी भी आता ही आता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। अब ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके भी टाइप्स होंगे, सेल्स है तो सेल्स के भी टाइप्स होंगे। तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के। सबसे पहला हमारे पास है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो इनके नेम से ही हमें बहुत क्लैरिटी मिल जा रही है कि कौन सा टाइप कैसा होगा। यूनि मतलब होता है वन, और ये वन सेल्युलर है, मतलब इनमें एक ही सेल है, वो एक ही सेल सब फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो एक ही सेल इनका क्या करेगा, डाइजेशन भी करवाएगा, अब्सॉर्प्शन भी करवाएगा, एसिमिलेशन भी करवाएगा, एक्सक्रीशन भी करवाएगा, बस एक सेल पूरी लाइफ प्रोसेसेस अकेला कैरी आउट करता है। और अगर हम बात करें मल्टी सेल्युलर की, तो यहाँ पे मल्टीपल सेल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन, हमारे में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग चलेगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग चलेगा, तो यहाँ पे अलग अलग सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, तो हर सेल का स्पेशलाइजेशन अलग है, हर सेल का परफॉर्मेंस अलग है, हर सेल का फंक्शन अलग है। तो एग्जैक्टली सेम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल्स, मतलब अलग अलग सेल्स
अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एंड अलग फंक्शंस में स्पेशलाइजेशन होल्ड करते हैं। एग्जांपल्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स, जैसे हम लोग हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं तो हमारे में सेल्स भी ज़्यादा होंगे। अब हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा की या बैक्टीरिया की, तो ये यूनिसेल्युलर होते हैं, इनको हम सिंगल सेल्युलर भी बोलेंगे क्योंकि इसमें वो एक ही सेल सारे फंक्शंस खुद परफॉर्म करके पूरी लाइफ प्रोसेसेस अकेला कैरी आउट करता है। सो सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शंस दैट इज मूव, ईट, रिप्रोड्यूस। तो एक ही सेल से वो मूव भी करेंगे, एक ही सेल से वो ईट भी करेंगे। ईट कैसे करते हैं, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, उसका अलग टॉपिक है, उसका अलग है, वो क्लास 10th में है तो वो हम मे बी बाद में कंप्लीट करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझना इम्पॉर्टेंट है कि कैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल की प्रेजेंस में सारी लाइफ प्रोसेसेस को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ये जो डिफरेंस है ये आता है, पर ये मेनली आपको छोटी क्लासेस में बहुत बार पढ़ाया जा चुका है, तो ये थोड़ा सा मतलब कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये सिर्फ समझना है। इसको इतना समझ लोगे तो ईजिली फिर इसका डिफरेंस भी लिख ही लोगे। बट जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि टाइप्स ऑफ सेल्स। लास्ट वाला था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, की ऑर्गेनिजम्स कौन से टाइप के होते हैं, अब है टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं कि इसमें ओनली वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम यूज़ होते हैं रिप्रोडक्शन में, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता, नॉट वेल डिफाइंड। अब बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और जो इसका न्यूक्लियस है, जो इसका मेन ब्रेन ऑफ द सेल है, न्यूक्लियस है वो मेन ब्रेन ऑफ द सेल होता है, वो वेल डिफाइंड है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता ही है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड भी होता है, बट न्यूक्लियस के आसपास पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी ही पड़ेगी। बहुत अच्छे से यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, डेफिनेशन है यूकैरियोटिक सेल्स की, कि एनी सेल that contains a clearly defined nucleus and membrane bound organelles. Eukaryotic cells में क्या होते हैं, अच्छे से nucleus होगा and उसके आसपास सारे cell organelles होंगे, वो होगा eukaryotic cells। and prokaryotic cell में क्या है कि ये unicellular organism में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर जो उसका न्यूक्लियस है उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होता, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, तो ये सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। एग्जांपल्स एनिमल, प्लांट, फंगाई, हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं एंड इसमें हमारा बैक्टीरिया और ऐसे सब छोटे छोटे यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। अब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। ऑर्गेनिज्म टाइप यूजुअली मल्टी सेल्युलर मतलब हम जैसे होते हैं एंड इधर यूनिसेल्युलर जैसे कि बैक्टीरिया या अमीबा। तो इनमें जो ग्रोथ का रेट होता है वो स्लोअर होता है एंड इसमें ग्रोथ का रेट फास्टर होता है क्योंकि इनका लाइफ स्पैन ही बहुत कम डेज का होता है, तो इनकी ग्रोथ भी फिर उस हिसाब से फास्टर होती है। इसमें ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम्स, ये सब यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक में ये सारे ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको डेफिनेटली याद करना चाहिए। यहाँ पे आपके पास ये पिक्चर है, यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में इधर हमारे पास सीधा सीधा न्यूक्लियॉइड है, न्यूक्लियस नहीं है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। बट अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस है, प्रॉपर राइबोसोम्स हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सब एकदम अच्छे से, ऑर्गेनेल्स भी हैं एंड इसमें ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। तो ये पिक्चर, ये डायग्राम भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी दो टाइप्स हैं, एक हो गया एनिमल सेल और एक हो गया प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेजरली कुछ डिफरेंस नहीं है, एक डिफरेंस बहुत बड़ा यहाँ पे है जो उनके शेप को भी डिफरेंस दे देता है, वो होता है सेल वॉल।
तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इसी वजह से चेंज हो जाते हैं शेप्स, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही रहती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन मतलब जो कवरिंग है वो दोनों में ही है, न्यूक्लियस दोनों में है, न्यूक्लियोलस दोनों में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रफ एंड स्मूथ दोनों में है, राइबोसोम्स वैक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्जी अपैरेटस बाकी सब सेम रहता है, सिर्फ डिफरेंस आता है सेल वॉल का मेजरली उनके शेप्स में। तो सेल वॉल के शेप्स की डिफरेंस की वजह से एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाता है, मतलब उसको एक प्रॉपर शेप मिल जाता है, और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कर्विश या थोड़ा सा राउंडिश हम लोग बोल सकते हैं हो जाता है। अब सेल के अंदर के सारे कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक सेल में, तो ये उसका न्यूक्लियस है विच इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल। यहाँ से सारे फंक्शंस डायरेक्ट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन से सारे फंक्शंस डायरेक्ट होते हैं, एग्जैक्ट सेम तरीके से सेल में न्यूक्लियस पूरे फंक्शंस को डायरेक्ट करता है। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो इस सेल का पावर हाउस होता है, एंड इसके बाद हमारे पास ERM मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, लाइसोसोम्स राइबोसोम्स गॉल्जी अपैरेटस DNA जिसमें पूरी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, साइटोप्लाज्म ये पूरा न्यूक्लियस के आसपास का जो मटेरियल होता है जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो उसका मेम्ब्रेन होता है मतलब जो कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये सब हम लोग आगे वाली कमिंग वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सारे ऑर्गेनेल्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियस से, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरी सेल की जो फंक्शनिंग होती है, पूरी सेल की जो कोऑर्डिनेशन होती है वो डायरेक्ट होती है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन्ड होता है, मतलब इसमें टू कवरिंग्स होती हैं, और पूरे सेल को कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस, इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये DNA मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को भी स्टोर करेगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड को बनाएगा मतलब प्रोड्यूस करेगा RNA को और प्रोटीन को। तो यहाँ पे मेजर फंक्शंस होते हैं हर सेल के लिए, और ये राइबोसोम्स को भी बनाएगा जिससे हमारा न्यूक्लियोलस बनेगा। यहाँ पे डायग्राम आपके पास एकदम क्लियरली विजिबल है, जहाँ पे आपको डबल मेम्ब्रेन दिख रहा है, पूरा न्यूक्लियोलस दिख रहा है जहाँ पे राइबोसोम्स भी बिल्ड होंगे, एंड इसी स्ट्रक्चर के अंदर हमारा DNA स्टोर्ड रहता है, और यहाँ पे ही RNA एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों चीज़ें कि DNA स्टोरिंग होती है और RNA एंड प्रोटीन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये याद रखना यहाँ पे अब बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि सेल्स होते हैं, सेल्स के ब्रेन को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, एंड उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में इन्फॉर्मेशन होती है हमारे इनहेरिटेंस की, हमारे जीन्स की। तो ये इन्फॉर्मेशन पास होती है DNA के फॉर्म में फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। तो जो हमारी स्पेशल क्वालिटीज़ है, जैसे किसी के बाल बहुत लंबे होते हैं, किसी के बाल बहुत अच्छे होते हैं, या किसी की आईज बहुत ब्यूटीफुल होती है, किसी की हाइट बहुत अच्छी होती है, एंड ये सब हमारे न्यूक्लियस में ही स्टोर्ड होता है DNA के फॉर्म में, एंड वहीं से हमारी पूरी जो स्पेशल फीचर्स है वो जो चीज़ हमें दूसरे से डिफरेंट बनाती है वो आती है हमारे बेसिकली न्यूक्लियस से ही। नेक्स्ट है हमारे पास ये सेम चीज़ है आपके पास कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स में DNA स्टोर्ड होता है जिसमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें डिफरेंट बनाती है सबसे। अब हमें पढ़ना है सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल का फंक्शन अब हमने पहले ही समझ लिया कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है ओनली इन प्लांट्स, तो ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, और इसका फंक्शन क्या है कि ये प्लांट को सपोर्ट एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, प्लांट सेल्स को ये प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिस वजह से प्लांट सेल हमें बहुत ज़्यादा रिजिड दिखते हैं, एंड पूरे प्लांट सेल को ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, मतलब अगर बाहर से कुछ एक्सटर्नल चीज़ आ रही है जो हार्म कर सकती है तो उससे भी
सेल वॉल प्लांट सेल को पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल है तो ये सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर है। अब अगर हम, ये हो गया प्लांट सेल, हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में बस सेल मेम्ब्रेन होगा, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। तो प्लांट सेल में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है और फिर सेल वॉल है, बट एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही लास्ट कवरिंग होती है, उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो इट लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स, मतलब एनिमल सेल्स में ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। तो हमने अभी तक देख लिया बहुत अच्छे से कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है एंड एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ जो होती है सेल मेम्ब्रेन, ये एक फिजिकल बैरियर क्रिएट कर देती है, मतलब क्या कि ये एक कवरिंग क्रिएट कर देती है हमारे साइटोप्लाज्म के आसपास, मतलब एक बाउंड्री बन जाती है पूरे साइटोप्लाज्म के आसपास। तो ये एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करती है एंड ये हमारे सेल के इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है। जैसे अगर ये मेरा सेल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, एक बाउंड्री क्रिएट कर देगा, एक बिगनिंग एंड एक एंड क्रिएट कर देगा एंड सेपरेशन क्रिएट कर देगा कि इसके अंदर इंटरनल पार्ट है पूरे सेल का एंड इसके बाहर एक्सटर्नल हो जाता है। अब प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी होती है जो उसको और कवरिंग और प्रोटेक्शन क्रिएट करवाती है। तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है उसका बेसिक फंक्शन यही है कि एक फिजिकल बैरियर क्रिएट कर देगा एंड उसी के साथ साथ ये सेपरेट करेगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट को। नेक्स्ट अब वो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। ये कौन सी नई टर्म आ गई अब हमारे पास, तो सिलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबिलिटी मतलब अलाउ करना कौन सी चीज़ अंदर जाएगी एंड कौन सी चीज़ बाहर आएगी। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब जो परमिएबिलिटी है कि कौन सी चीज़ अंदर जाएगी बाहर जाएगी उसको चूज करता है, उसको डायरेक्ट करता है। प्लांट्स को हम जैसे कभी कभार बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं तो भी प्लांट्स की डेथ नहीं होती एकदम इमिडिएटली, क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी अलाउ करते हैं, मतलब वो सिलेक्टिव आइटम्स को ही अंदर जाने देते हैं एंड जो चीज़ डैमेज करेगी उसको वहीं पर ही वो रोक लेते हैं। तो ये चीज़ होती है सेमी परमिएबल, मतलब ये फ्लूइड्स को अलाउ करती है, प्रॉपर हार्ड सब्सटेंसेस को भी अंदर जाने नहीं देती, मतलब लिक्विड ही सब्सटेंस जा सकते हैं, उसमें भी ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही चीज़ अंदर जाएगी एंड जो चीज़ हमें नीडेड नहीं है, जो चीज़ हमारे सेल्स को नीडेड नहीं है वो चीज़ अंदर नहीं जाएगी। सो नेक्स्ट अब हमारे पास है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या हो गया, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन आ गई हमारे सामने कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इक्वलाइजेशन क्या हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन का। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्सेंट्रेशन चीज़ क्या होती है एंड डाइल्यूट चीज़ क्या होती है। अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज़ की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने एक बनाया शुगर सॉल्यूशन, हमने बनाया एक शुगर सॉल्यूशन, मतलब हमने ली शुगर और हमने लिया वाटर, ठीक है, हमने बनाया एक शुगर सॉल्यूशन जिसमें हमने लिया शुगर और वाटर। अब एक ग्लास में मैंने ऐड की 2 चम्मच चीनी और मैंने उसमें डाला 1 चम्मच पानी, तो उसमें क्या ज़्यादा रहा, उसमें शक्कर ज़्यादा रही, तो वो हो जाएगी चीज़ कॉन्सेंट्रेटेड, वो हो जाएगी चीज़ कॉन्सेंट्रेटेड। बट वहीं पे अगर मैं 1 चम्मच या आधा चम्मच शक्कर डालूं और पूरा ग्लास पानी डालूं, मतलब इसमें क्या है, पानी ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा डाइल्यूट, ये हो जाएगा डाइल्यूट। तो जिस भी चीज़ में पानी ज़्यादा है, मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा है, वो हो जाता है डाइल्यूट
और जिस भी चीज़ में सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब जैसे नमक हो गया या शक्कर हो गई, जो हम पानी के अलावा ऐड करते हैं, वो हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे बहुत सारे लोग शैम्पू भी शायद इसी तरीके से यूज़ करते हैं कि उसको पहले डाइल्यूट करते हैं, शैम्पू में पानी मिक्स करके उसको फिर यूज़ करते हैं। तो जब पानी ज़्यादा होता है वो हो जाती है चीज़ डाइल्यूट, एंड जब पानी कम होता है वो चीज़ हो जाती है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसी तरीके से डिफ्यूजन में क्या होता है कि डिफ्यूजन में सॉल्वेंट का भी मूवमेंट अलाउड है एंड सॉल्यूट का भी। मतलब हमने शक्कर और पानी का एग्जाम्पल लिया था, तो पानी भी अलाउड होगी और शक्कर भी अलाउड होगी, बट वहीं ऑस्मोसिस होता है ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट का, मतलब सिर्फ और सिर्फ वाटर या लिक्विड्स का। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस में लिक्विड्स मूव करते हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल्स मूव करते हैं, जिसमें उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें इक्वल करवानी पड़ती है। मतलब दोनों साइड पे ना इक्वल बैलेंस, उनका जो रेशियो है वो एग्जैक्ट 1:1 होना चाहिए, तो तब तक वो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन शो करते हैं। तो ऑस्मोसिस में होते सिर्फ और सिर्फ वाटर या सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे अलाउड नहीं होते, वो मूव नहीं कर पाते। एंड डिफ्यूजन में सॉल्वेंट भी होते हैं एंड सॉल्यूट भी होते हैं, ये चलता है जब तक उनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाए। अब यहाँ पे नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व। अब जो मेम्ब्रेन हमने देखा था कि सेमी परमिएबल, तो वो इन्वॉल्व नहीं होता। एंड यहाँ पे ये जो पूरे मूवमेंट है ये हो ही एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू रही है। अब दोनों चीज़ों का एम ये होता है कि उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वलाइज हो जाए, मतलब जो उनका रेशियो है, जो उनका रेशियो है वो इक्वलाइज हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इसी से रिलेटेड हमारे पास है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ये टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा एंड आई डेफिनेटली बिलीव कि आपको फिर कोई डाउट भी नहीं बचेगा इस पूरे चैप्टर में या इस पार्ट में। एंड हम ये पूरा चैप्टर भी 1 या 2 वीडियोज़ में कंप्लीट कर लेंगे। सो और वीडियोज़ मिलेंगी क्लास 9 साइंस की, एंड बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ भी हम लोग करेंगे, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबाओ, ताकि आपका कोई लॉस नहीं हो और आप पढ़ाई बहुत सीमलेसली कर पाओ। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।